समय प्रबंधन है आपके 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटों में 6 घंटा सोने के लिए, 6 घंटे से ज़्यादा सोना बच्चों को छोड़ के, बच्चों के लिए 8 घंटा 9 घंटा तक, छोटे बच्चों के लिए 9 घंटा, और वो छोटे बच्चे होते हैं तो काफ़ी सोते हैं, उससे उनका विकास होता है। छोटे बच्चों के लिए 8-9 घंटा, उससे थोड़े बड़े बच्चे उनके लिए भी 7-8 घंटा, और जो एडल्ट हैं 18 साल के बाद वाले जितने भी हैं उनको 6 घंटे से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। वैसे तो बुढ़ापे में नींद ज़्यादा आती ही नहीं है, फिर भी कुछ लोग पड़े पड़े ऐसे ही जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। उत्तिष्ठता, उठो, जागो, जागरूक बन जाओ, होश में आओ। 6 घंटे से ज़्यादा सोना नहीं। अब आप यदि कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या अपना बिजनेस भी करते हैं तो आप 8 से 12 घंटा वो काम कर लो, ठीक है। फिर भी कितने हो गए, 6 घंटे सोने के, 12 घंटे हमने जो है 1.5 गुना आपके वर्किंग आवर्स कर दिए। वैसे 8 घंटा वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं, इसमें बहुत काम हो जाता है। 12 और 6 18, अभी भी कितने घंटे बच गए, 8 घंटे बच गए। 8 घंटे में 2 घंटा आपको अपनी दिनचर्या के, फिर भी कितने बच गए, 6 घंटा बच गए। 6 घंटा में आपके 2 घंटा आपस में बातचीत करने के लिए, पति पत्नी बच्चे आपस में बातचीत, 2 घंटे से ज़्यादा बातचीत के लिए कुछ मैटर तो रहता नहीं है, बाकी ऐसे दिन भर कुछ भी बक बक करते रहो। 2 घंटे आपके बात करने के लिए, फिर भी कितने घंटे बच गए, 4 घंटे। आप चाहो तो सभी सेवा कर सकते हो, गृहस्थ में रहते हुए भी, नौकरी करते हुए, बिजनेस व्यापार करते हुए भी, अपने सांसारिक दायित्व निभाते हुए भी इस सेवा का दायित्व निभा सकते हो। कितना घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा। ये आपको मैंने टाइम मैनेजमेंट के साथ, आंकड़ों के साथ बात कही है, इसको झुठला नहीं सकते। और जो 4 घंटा भी ना कर सकें वो 2 घंटा कर लेना। सेवा करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं और हमें मनुष्यों में, और मनुष्यों में भी फिर बहुत उच्च कोटि के मनुष्य का रूप में जन्म मिलता है। और सेवा लेने से हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। जितना भी हम ये कपड़े पहनते हैं इनसे पुण्य क्षीण होते हैं, इसलिए सन्यासी कम से कम वस्त्र पहनता है। हम जितना भी ये पंखा एसी चलाते हैं इससे पुण्य क्षीण होते हैं। जितना भी हम गाड़ी आदि चलाते हैं इसमें कितनी एनर्जी खर्च होती है, कितना पोल्यूशन होता है। बिजली आदि चलाते तो इसमें भी कोयला आदि से बिजली बनती है, तेल आदि से, गैस आदि से बिजली बनती है, उसमें कितने पुण्य क्षीण होते हैं। जितना आप अन्न जल भोजन आदि भी करते हो उससे कितने पुण्य क्षीण होते हैं। जितना आप सुख भोगते हो ये सुख सारे दुख देने वाले हैं। परिणाम ताप संस्कार दुख गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। सेवा लेने से पुण्य क्षीण होते हैं। तुम सोचते हो हमने कुछ पा लिया तो ये सुख है, पाना दुख है, देना सुख है। ये बड़ा बहुत बड़ी जीवन की फिलॉसफी है। इसलिए कम से कम सुख उपभोग किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा सुख दिया करो।